अपने सुनने और देखने वालों को मुबशर नकवी का सलाम। आपका होस्ट मुबशर नकवी आज आप लोगों के लिए एक जबरदस्त सीरीज प्रोग्राम लेके आया, जिसमें हम सीखेंगे कि मुश्किलात से कामयाबी की तरफ कैसे जाना है। देखिए, जिंदगी में हर काम के लिए मुश्किलात हैं, उसके लिए हमने मुख्तलिफ चीजों से सीखना है, मुख्तलिफ लोगों से सीखना है, मुख्तलिफ वाकयात को एनालिसिस करके ऑब्जर्व करके सीखना है। आज हम एक स्टोरी देखेंगे कि एक छोटा सा बच्चा मुझे कहता है, अंकल अगर आपने कामयाबी सीखनी है तो मेरे से सीखें, मैं आपको कामयाबी सिखाता हूं। राह चलते हुए ऐसे एक बुजुर्ग के पास बैठा, उसने कहा, बेटा अगर आपने कामयाबी सीखनी है तो एक चींटी से सीखो, चींटी क्या सिखा रही है आपको। ओके गाइस, इससे पहले कि हम अपना एक लेक्चर स्टार्ट करें, मैं अपने तमाम व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करता हूं, तमाम YouTube व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। उसके अलावा मैं अपने व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे 77% व्यूअर्स ऐसे हैं जो अनसब्सक्राइब हैं, जिन्होंने सब्सक्रिप्शन नहीं की हुई अभी तक। ये मेरी मोटिवेशन है सब्सक्रिप्शन, इंशाल्लाह ताला मेरी रिक्वेस्ट तो है कि आप करें, लेकिन यह है कि इंशाल्लाह ताला मैं भी हार नहीं मानूंगा। जो जो सब्सक्रिप्शन नहीं कर रहा मैं उससे करवाऊंगा इंशाल्लाह ताला, अपने इंशाल्लाह ताला मुझे यकीन है मैं भी हार नहीं मानूंगा। ओके गाइज, लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। देखें, मुश्किलें सदा नहीं रहती, परेशानियां सदा नहीं रहती, तूफान खत्म हो जाते हैं, सब कुछ खत्म हो जाता है, परेशानियां खत्म हो जाती हैं, तू जरा मेहनत तो कर। हमें कामयाबी हासिल करने के लिए कोई भी काम उठा लें, उसमें रुकावटें आएंगी, मुश्किलें आएंगी, परेशानियां आएंगी, तकलीफें आएंगी, कुर्बानियां देनी पड़ेंगी, कुर्बानियां। आप लोगों को एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं कि आप लोग देखें, जो आसान काम होता है ना, जब आप वो आसान काम करते हैं तो वो काम हो जाता है, लेकिन उससे आपको इतनी ताकत नहीं मिलती, आपको इंस्पिरेशन नहीं मिलती, आप कहते हैं बस इंज किया तो इंज किया तो हो गया। ओ भाई नहीं, हर वो काम जो मुश्किल होता है, हर वो काम जो नामुमकिन लग रहा होता है, हर वो काम जिसको आप बार बार करते हैं, बार बार करते हैं, बार बार करते हैं, लेकिन क्या है, डट जाते हैं। जिस काम को नामुमकिन समझते हैं आप डट जाते हैं, वही काम जब हो जाता है ना तो आपको ताकत मिलती है, हौसला मिलता है, हिम्मत मिलती है, इंस्पिरेशन मिलती है, आपके पैशन में इजाफा हो जाता है, आपको पता चलता है कितनी ताकत लगाकर मैं एक्शन करूंगा तो मेरा यह काम हो जाएगा। तो याद रखें, हर वो काम जो मुश्किल नामुमकिन होता है, जब वो हो जाता है तो उसके लिए कुछ उसकी कुछ पैरामीटर्स भी हैं। जैसे पाकिस्तान नामुमकिन चीज थी ना, कायदे आजम ने ख्वाब देखा, कायदे आजम ने उसकी प्लानिंग की, उसके बाद क्या किया, पाकिस्तान के ऊपर ज्यादा नहीं, बस एक अपनी लेक्चर के हिसाब से जो चीज आ रही है, देखिए क्या किया, उसमें सब मुश्किलें आई, तीर चले तो अपना डंडे सोटे चले, बंदूकें चली, लोगों की इतनी इतनी जानों की कुर्बानियां देनी पड़ी, लेकिन क्या था अल्टीमेटली, एक कांस्टेंट स्पीड के साथ चलते रहे, पैशन में इजाफा करते रहे, लगन के साथ करते रहे, हार्डवर्क लगे रहे, क्या था, एक्शन रिएक्शन फैंटेस्टिक था, हिम्मत नहीं हारी, डट गए, डट गए थे, डट गए, ये लफ्ज याद रखें, हर वो काम जिसको आप करना चाहते हैं आप डट जाएं, आपको रास्ते खुद ही मिल जाएंगे, खुद ब खुद आपको रास्ते मिल जाएंगे। एक आप छोटा सा बच्चा देख लें, एक रास्ते में चलते एक छोटा सा बच्चा मिला, कहता अंकल अगर आपने देखनी है ना, मुश्किलें आ गई हैं, आपने उसको हल करना है तो मेरे से सीख लें। मैं बड़ा तजस्सुस से, ओ व्हाट इज सेइंग, वो कहता है बच्चा अंकल देखें, मैं जब छोटा सा था ना, अभी चलता नहीं था, तो घुटनों के बल रींगता था, मेरे घुटनों में ताकत आई, फिर मैंने चलना शुरू किया, जब चला तो गिर गया, गिर गया तो मैंने हिम्मत नहीं हारी, मेरे मां बाप ने हिम्मत नहीं हारी, मुझे फिर पकड़ा उंगलियों से ऐसे चलाया और मुस्कुराए, बेटा कोई बात नहीं, फिर से बेटा कोई बात नहीं, फिर मैं गिरा, फिर चोट लगी, कभी बाजू पे, कभी सर पे, मुख्तलिफ जगह पे जो जो हुआ, मैं गिरा लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारी, अल्टीमेटली क्या हुआ, आई अचीव द गोल, आई स्टार्ट वॉकिंग। यही चीज है मेरे भाई, डट जाना है आपने मुश्किलों के आगे, डट जाना है, रस्ते खुद ही नजर आएंगे। आप लोगों ने देखा नहीं है कि हर मुश्किल काम, देखे तूफान इसलिए नहीं आते कि आपको हराना है, आपको उसको साइडलाइन करना है, आपको या आपको तबाह करना है,
याद रखें, अक्सर तूफान ऐसे आते हैं जो आपको रास्ता दिखाने के लिए आते हैं, आपको ऊंचा उड़ाने के लिए आती हैं, तेज आंधियां इसलिए आती हैं कि आपको हवा को चीरना देख सीख सकें, मुश्किलें इसलिए आती हैं कि सीना सपर होके आप उनके सामने खड़े होके सीख सकें कि सीना सपर होके जब कोई खड़ा होगा आगे तो उसको क्या मिलेगा। वो ताकत जो आंधियां देती हैं, मुश्किलें देती हैं, तूफान देता है, वही तो है जो हमें सिखा रहा है कि हम कामयाबी कैसे मिलेगी। हमने बस डट जाना है, रास्ते खुद ही मिलेंगे। इधर से अगर तेज मुश्किलें आएंगी तो हम उधर को निकल जाएंगे, रास्ता मिल जाएगा। अगर इधर से आएंगी मुश्किलें, इधर से आएंगे हम इस तरफ निकल जाएंगे, पीछे से आएंगी हम भाग के आगे निकल जाएंगे, आगे से आएंगी हम रास्ता डायवर्शन फिर कर लेंगे। पैशन में कमी नहीं करनी, हिम्मत नहीं हारनी, मुसलसल मेहनत करनी है। देखिए, अगर हर तरफ से परेशानियां मुश्किलें तकलीफें आएंगी तो हमने हवा का सीना चीर कर आगे की तरफ जाना है, ऊपर की तरफ जाना है। कामयाबी हमारे मुंतजर है, मुश्किलें आती इसीलिए कि आपको कामयाब करना है, लेकिन सिर्फ आपने एक काम करना है, डट जाना है उसके आगे। लफ्ज याद रख ले, जब मुश्किल आए आपने कहना डट जाना है, हिम्मत नहीं आनी, डट जाना है। एक और ऑब्जर्वेशन आपको बता दूं हम लोगों की कॉमन ऑब्जर्वेशन है, हम लोग जब छोटे थे या बड़े, हर दुनिया का शख्स देख ले उसने बाइसिकल और मोटर बाइक जरूर चलाई है। देखिए, अगर मुश्किलें नहीं थी बाइक चलाते हुए, साइकिल चलाते हुए, तो कैसे सीखी आपने? अगर आपको समझ नहीं आई तो कोई बंदा इधर गिर जाएगा राइट साइड पे, अगर वो मैनेज नहीं कर सका तो वो दूसरी साइड पे गिर जाएगा। ऐसे ही है ना, ये मुश्किलों को कॉप अप किया हमने, मुसलसल कंसंट्रेशन रखी है तो हम कामयाब हो गए हैं। देखिए, जितनी मुश्किलें आती है ना, ये हमें आगे बढ़ाने के लिए आती हैं। हम लोगों ने देखा है, एक देख ले सिंपल ऑब्जर्वेशन है कि ईगल को देखा आपने, शाहीन को देखा आपने, ईगल शाहीन ये वो परिंदे हैं यार जो अपने पूरी ताकत के साथ स्विम करते हैं, स्विम विद पावर, इतनी पावर है उनमें, इतना कॉन्फिडेंस है उनमें, उनकी प्रैक्टिस इतनी ज्यादा है, ऊपर से उड़ते हैं, ऐसे आते हैं और नीचे शिप के बेबी को लेके हो गए, बारी बारी चीजों को अपनी खुराक बनाते हैं, ले जाते हैं। तेज हवा ऊपर चल रही होती है, तूफान होता है, वो हवा को चीरते हुए आ जाते हैं, आप भी कर सकते हो। अशरफुल मखलूकात हो ना, क्या है इसमें? आपके दिमाग में हर वो चीज है, हर वो पावर है जो हवा को चीर कर कामयाबी हासिल कर सकती है, और आप कर सकते हैं। एक छोटी सी चुंटी है, वो हमें बताती है कि सर एक छोटा सा एनिमल है, देख लें ये याद रखें, एक छोटा सा एनिमल है, जब उसके आगे के बंद बांध देना तो दूसरी तरफ मुड़ जाता है, जब इधर बंद बांध दे तो दूसरी तरफ मुड़ जाता है, आगे की बंद बांध दे पीछे भाग जाता है, पीछे की तरफ भागे तो आगे भाग जाता है। ये क्या है? वो सिखा रहा है हमें, जिंदा रहूंगी तो अपनी मंजिल पर जाऊंगी, मर जाऊंगी तो बस तब फिनिश होगा मेरा सफर। वो कहती है, बता रही है कि जब तक जिंदगी है जहद मुसलसल करना है, अपने पैशन में इजाफा करना है, अपनी मंजिल के लिए तगोदो करनी है, जिंदा रहने के लिए लगन के साथ हार्डवर्क करना है। आपने अगर अपने पैशन में इजाफा ना किया, हार्डवर्किंग छोड़ दी, आपने अगर एक्शन रिएक्शन में अपने पावर और सोच बूझ अपने लगन के साथ काम ना किया, तो याद रखें ये तो वैसे ही हालत मरग है। आप लोगों ने अगर कामयाबी की तरफ जाना है, एक छोटा सा फार्मूला है, डट जाएं, इसको जैसे भी बोलें, डट जाएं कामयाबी के आगे, डट जाएं तूफान, हर चीज कामयाबी हमें बताएगी कि इस तरफ जाना है, परेशानियां बताएंगी इस तरफ जाना है कामयाबी है, परेशानियां बताएंगी इस तरफ जाओगे कामयाबी है। व्यूअर्स, आज का सबक यही है, कामयाबी हासिल करनी है मुश्किलों के आगे, तूफान या कोई भी चीज, तो आपने सिर्फ डट जाना है और मेहनत में कमी नहीं छोड़नी। ओके व्यूअर्स, आप लोगों को मेरा ये प्रोग्राम पसंद आया, आज का लेक्चर पसंद आए तो इसको लाइक करें। अगर आपको इसमें जो भी कंफ्यूजन हो या जो भी चीज आप इसमें शेयर करना चाहते हैं मेरे से, तो कमेंट जरूर करें, क्योंकि ये मेरी पावर है, कमेंट्स मेरी मोटिवेशन है। ओके गाइज, अगले अपने व्यूअर्स, अपने होस्ट सैयद मुबशर नकवी को अगली वीडियो तक इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।